ये गूंगी बहरी सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। जनता को जब विश्वास नहीं है तो ईवीएम पे कैसे मैजिक चलता है? युवाओं के एकदम जान लीजिए वो रोड पे लाके लग दिए हैं, कहते पकौड़ा बेचने के लिए, पकौड़ा बेचने लायक युवा नहीं है इस समय। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आजकल देख ही रही आप, है ना, सबको संविदा पर नौकरी मिल रही है। संपत्ति संविदा कर दिया गया है, जो भी बच्चा गया है उसका वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। तो विश्व में इंडिया का स्थान है भूखमरी में, 110 नंबर पर है, 110। देश के युवाओं, देश किसानों को ठगा गया, ये सरकार ठग ली है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। सदन में मोदी जी ने कई तरह के भाषण दिए हैं। उन्होंने कहा नौकरी दी है, विकास हो रहा है देश में, जनता के बीच है, और जान लेते हैं क्या कुछ है जनता का मूड। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, सर क्या लगता है किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? विकास पर, रोजगारी पर, बेरोजगारी पर, विकास बेरोजगारी। क्या लगता है कि मोदी जी ने विकास किया? 10 साल हो गए अन्याय, 10 साल अन्याय काल। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आजकल देख ही रही आप, है ना, सबको संविदा पर नौकरी मिल रही है आजकल, है ना, सभी पद संविदा कर दिए गए, सारी सरकारी संपत्ति संविदा कर दिया गया है, जो भी बच्चा गया है उसका वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, नौकरी रोजगार तमाम बातें कर रही। कुछ नहीं, रोजगार नौकरी लाने के लिए कहे थे 2 करोड़, अभी तक उनकी 2 बार सरकार बन चुकी है, बताइए कितने करोड़ रोजगार दिए मोदी जी दिए हैं? अच्छा, अन्याय काल कहा जा रहा है, 10 साल अन्याय काल, इससे कितना सहमत है? हम भाजपा से नहीं सहमत है, ये सरकार पूरी गूंगी बहरी है, कुछ विकास नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दूसरी बार बने हैं, अभी तक इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। कह रहे हैं अपराध खत्म हो गया, अपराध जैसे था उससे ज्यादा अपराध हो रहा है, आप कानून उसको उठा के देख लीजिए, अपराध उससे ज्यादा हो रहा है। जब मीडिया दिखलाए तब तो अपराध दिखलाई दे, मीडिया दिखलाई नहीं रही है, लोग के सहयोग से अपराध दिखाया जाएगा, अपराध कहाँ दिखाई देगा? अब बताइए बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़े गुंडा हैं और गोल्ड मेडलिस्ट लोग धरने बैठे थे, मेडल भी लाके गंगम फेंक दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उन्हीं के अध्यक्ष बने, फिर बाद में जाके हटाया गया उनको, निकाल दिया जाना चाहिए ना। ये तो कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का देख लिए क्या सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किए हैं, ना युवा के लिए किए हैं, ना किसान के लिए किए हैं, शिक्षा चिकित्सा ये दोनों पे एकदम ये बेकार हैं, कुछ नहीं किए हैं। लखनऊ में एक भी कृषियों का जो है आय बढ़ा दी, दुगनी कर दी है। कैसे आय दुगनी होगी जब हम लोग की लागत, किसानों की लागत महंगी लग रही है तो आय कैसे दुगनी होगी आप बताइए? किसानों की आय जो है जब दुगनी होगी जब लागत जो है कम होगा, खाद जो है उन्होंने महंगा कर दिया है। युवाओं के लिए कहते हैं हमने देश के युवाओं का भविष्य बदल दिया है, 10 साल में कहां से कहां युवाओं को पहुंचा दिया। युवाओं के एकदम जान लीजिए वो रोड पे लाके लग दिए हैं, कहते पकौड़ा बेचने के लिए, पकौड़ा बेचने लायक युवा नहीं है इस समय, उनके पास कुछ पैसे भी नहीं है, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोचिंग महंगा है, स्कूल महंगा है, कहाँ पढ़ेंगे बताइए। माने जो धरती पुत्र मुलायम सिंह जो करके गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी तो ना योगी जी कर पाएंगे ना मोदी जी कर पाएंगे, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, युवाओं के लिए इतनी नौकरियां निकलवाई थी, इनकी सरकार में पूर लिए ना काम का पता चलेगा ना नौकरियों का पता चलेगा। इंडिया गठबंधन की बात करूँ तो RLD की तरफ से जो जिस तरह से जयंत चौधरी की पार्टी जा रही है, जयंत चौधरी की बात आ रही है सामने के वो भाजपा में चले जाएगी, तो इंडिया गठबंधन देखिए ये हवाई है, जयंत चौधरी माननीय अखिलेश जी को कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, ये तो हवा में बात चुनाव लड़ेंगे जयंत चौधरी 7 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। ये तो कह रहे बात सारी पक्की हो गई है, मीडिया में चल रहा है। नहीं, ये झूठ है, चला रही है ना, न तो जयंत चौधरी का कैसे स्टेटमेंट आया है ना, इधर कहीं से नहीं आया, क्यों वो बलगलाहट केवल जयंत चौधरी माननीय अखिलेश जी को कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जितना काम किए हैं उतना काम योगी जी दूसरी सरकार बन गई है, लेकिन उन्होंने एक भी काम बता दीजिए, कोई काम किया हो तो बता दीजिए, कोई काम नहीं किया है, पूरा मॉडर्न यूपी बना दिया है। मॉडर्न यूपी, आप लखनऊ का देख लीजिए, लखनऊ में कुछ नहीं किया इन्होंने, मेट्रो जहाँ थी वही है ना, मेट्रो आगे तो नहीं हुई है ना, क्यों एयरपोर्ट से लेकर के और मुंशी पुलिया से तक ठीक पहले तो उतने ही रह गई। कान्हा क्रिकेट स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाए, उसमें वर्ल्ड कप मैच हुए, अब की बार 2023 वाला वर्ल्ड कप मैच, उसमें 7 मैच हुए, 2 साल से बंद रहा, पूरा नहीं हुआ अब तक, क्यों? युवा बेरोजगार है, जो माननीय जी अखिलेश यादव जी अभी भी देखिए उनकी जो लोहिया पार्क बनाए वहाँ पे गार्ड की नौकरी नहीं, इनकी सरकार में अगर चपरासी की भी नौकरी नहीं है,
कम से कम डंडा ही पटके वाली नौकरी दिला देते तो कम से कम याद होता कि हाँ मोदी जी योगी जी ने नौकरियां दी। वैकेंसियां निकालते हैं वो पेपर ही लीक हो जाता है ना, मोदी जी ने कहा तो वही तो पकौड़े कहाँ तक की जनता जो लेगी। पैसे नहीं है युवाओं के पास, कहाँ से पैसे हैं? राशन राशन तक कह रहे हैं 5 किलो फ्री दे रहे हैं। राशन कहाँ से फ्री दे रहे हैं? वो तो पुरानी सरकार की योजना थी, उस योजना को ये अपडेट कर दिए हैं। पहले 1 रुपया किलो चावल मिलता था, 1 रुपया किलो गेहूँ मिलता था, उसी को इन्होंने फ्री कर दिया है। और ये फ्री क्या किया है? कांग्रेस सरकार ने भी तो इसको फ्री ही दे रहा था कि योगी मोदी हटाओ अखिलेश लाओ। अच्छा, बिल्कुल अगले सरकार 2027 में अखिलेश यादव की बनेगी। और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की बात करूं तो गठबंधन जीतेगा जी। लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा? अब मुद्दा तो सबसे बड़े मोदी जी इतना विकास कर रहे हैं तो मुद्दा और क्या है? मोदी जी क्या विकास किया? अंकल सही तो बता रहे हैं, अब अंकल की बात ही तो समझिए। पत्रकार महोदय साहब आप पुरानी लीडर हैं, उनकी अंकल सही उन्होंने ये विकास किया है, बता रहे हैं। उन्होंने ये विकास किया है कि हिंदू मुस्लिम करके लड़ाइए, धर्म की राजनीति कीजिए जम के और सरकार बना लीजिए। और ईवीएम का भी कुछ घोटाला इसमें है। हमारे देश के जो है वरिष्ठ लोग, हमारे वरिष्ठ जो देश के जो है वकील लोग इनके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जेल भेज दिया जा रहा है ईवीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ईवीएम जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को ये जो मतदाता है वो पर्ची निकाल के डिब्बे में डाला जाए, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कह रहे भाई लाए तो यही लोग थे, हम अब क्यों हटाएं? ठीक है, जहाँ जिस देश ने ईवीएम बनाया था उस देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। अगर विपक्ष मांग कर रही है तो भाई आप जब सही हैं, विकास पे जीत रहे हैं, तो आप ईवीएम हटा के उससे जीत लीजिए। अब जब इतने सक्षम है, हम भी यही कह रहे हैं मैम, विकास में जो है इसे ईवीएम पे जो है ईवीएम का जो है आप लोग ईवीएम नहीं होना चाहिए, ईवीएम नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं हमारा मैजिक चलता है, ईवीएम कहाँ चलता है? नहीं, जनता को जब विश्वास नहीं है तो ईवीएम पर कैसे मैजिक चलता है? विपक्ष चाह रहा है कि ईवीएम हटाया जाए तो ईवीएम हटाया जाए। क्या कहना आपको? सही है मैम, मतलब यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अब ईवीएम के विरोध में आ गया है। हाँ। मार्च निकाल रहे हैं अपने यहाँ, ये कहीं ना कहीं गलत है। तभी तो हाँ, हरियाणा वाले मामले में, हरियाणा वाला मैं 20 सीटों वाला हार गया, 16 सीटों वाला मेयर बन गया, ठगा गया है। देश के युवाओं, देश किसानों को ठगा गया है, ये सरकार ठग ली है, ये गूंगी बहरी सरकार है, कुछ नहीं कर रही है। सही बात है जो बोल रहा है। देखिए जो जो सरकार जो इनके इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसको जेल भेज दे रहे हैं। देखिए केजरीवाल के यहाँ ईडी इनकम टैक्स सब पहुंच गया है, उनको जेल भेजने की तैयारी है। जो इनके विरोध में जा रहा है जेल चला जा रहा है। अखिलेश यादव जी अगर इनके ऊपर आरोप लगा होता, अगर ये गलत होते तो ये भी जेल जाते, इसीलिए वो लड़ रहे हैं। भूखमरी में विश्व में 110वां स्थान पर इंडिया पहुंच गया, 110वां स्थान पर। पहले कांग्रेस जमाने में 55 स्थान, हमारा देश कर्जा में दुगुना हो गया है, दुगुना। पहले कांग्रेस जितनी कर्जा ली थी उसका 2 गुना मोदी जी ले लिए हैं, वो 3 गुना हो गया। उस समय जिस समय मनमोहन छोड़े थे उस समय कर्जा था 5400 करोड़ कुछ। कांग्रेस की सरकार में डीजल पेट्रोल बढ़ती थी, एक रुपए बढ़ती थी तो पूरा हंगामा, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह ये सब सिलेंडर और ये लेकर बैठ जाते थे। और तब उस समय ये जो कच्चे तेल का जो दाम था वो ज़्यादा था, इस समय कोरोना काल से लेकर इस समय बहुत कम था। उसके बाद भी देख लीजिए दुगना रेट कर दिए पेट्रोल डीजल का। मैम जितनी जनता मिला के देते हैं, जितनी जनता आप परेशान हैं, इतना पहले माननीय मुलायम सिंह थे और अखिलेश यादव जी और मायावती बहन जी थी, इतनी सरकार में जनता परेशान नहीं थी। अभी अकबर नगर वाला कांड आप देख लीजिए, अकबर नगर में कितने क्या हिंदू मुसलमान सब कहते हैं बहुत खुशहाल चल रही है। कुछ नहीं, खुशहाल चल रही है, ये जो बता रहे हैं 110वें नंबर पर रिकॉर्डेड है ये, कि जो विश्व में इंडिया का स्थान है भूखमरी में 110 नंबर पर है, 110। जो ये बता रहे हैं अकबर नगर की कहानी, 1400 घर गिरा रहे हैं, अगर वो गलत होता तो आप अपने विभाग से क्यों सड़क बनवाए, आप अपने विभाग से क्यों लाइट दिए, आप अपने विभाग से क्यों पानी दिए? अकबर नगर में तब होना चाहिए था जब माननीय जी अखिलेश यादव जी मंत्री जी थे और मुलायम सिंह थे, तब वो गिरना चाहिए था। अब ये सरकार में देखिएगा हर गरीब की मड़ैया गिराई जा रही है, गरीबों से ओढ़ पाए हैं योगी मोदी जी और उनकी मड़ैया गिरवाए। अकबर नगर में देखिए क्या मुसलमान नहीं रहते हैं, क्या हमारे भाई पंडित लोग नहीं रहते हैं, मंदिर भी बना हुआ, मस्जिद भी बनी हुई है। बताइए ये तरह इनको करना नहीं उचित है। तो सरकार ने वहाँ पे रास्ता क्यों दिया अनलीगल जगह पे? नहीं क्यों बन जाता है भाई, क्यों बन जाता है? सरकार माया नहीं, सब विपक्ष ही गलत किया है, पक्ष वाले ने सब सही कर रहा है।
पहले भी तो होना चाहिए, कुछ नहीं सही कर रहा है पक्ष। तो राम मंदिर भी नहीं बना था, बना ना। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर सब सबके देश की आस्था थी, राम मंदिर पहले से भी था, बनने के लिए सब लोग चाहते थे बन जाए, और राम मंदिर बना सब पूरा देश खुश है। तो ये थोड़ी बनवाए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने चंदा दिया है क्या, सुप्रीम कोर्ट तो केस चल रहा था, क्या तुरंत आ जाता है रिजल्ट? ये तो कोर्ट के मुद्दे पे मंदिर मस्जिद को लड़ा के चुनाव लेना वोट लेना चाहिए। अच्छा बताइए, जो राम मंदिर के राम भद्राचार्य हैं वो बीमार हुए हैं, वो हॉस्पिटल गए हैं, ये दो बार सरकार बनी है, इन्होंने लखनऊ में केजीएमयू जैसा हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बताइए कोई हॉस्पिटल ही बनाया है नया, कोई मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में, इतना बड़ा प्रदेश है, आप जाके देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, पेशेंट नहीं भर्ती होते हैं, क्या देख रहे हैं लगातार लोकसभा चुनाव पे क्या है जनता का मूड, और इसी तरह लोगों के बीच जाकर लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैदर अब्बास, OPM News Network।